नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से, जहां उपखंड मुख्यालय के नावा गैस एजेंसी के सामने स्थित रामेश्वर धाम मंदिर परिसर में नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के स्थापना दिवस पर प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल थे। वह कार्यक्रम की अध्यक्षता पेंशनर समाज अध्यक्ष सुरेश गौड़ ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक गौड़, समाज सेवी मनीष व्यास, श्री दिगंबर जैन संस्थान के प्रधानाध्यापक विजय सिंह, व्याख्याता रजनी टेलर, व्याख्याता जगदीश मीणा, समाज सेवी मोहनलाल दादरवाल, स्टूडेंट क्लब संरक्षक मोतीराम मारवाल, रामेश्वर धाम मंदिर व्यवस्थापक भरत जोशी, पंचायत समिति सदस्य पुसाराम कुमावत, पूर्व व्याख्याता मदनलाल पिपलोदा, पगलिया वाले बाबा, सेवा समिति संयोजक बाबूलाल दुबलदिया, व्याख्याता चंद्रशेखर, समाज सेवी प्रभुराम बुगालिया, शकील खान आदि रहे। सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि नावा सोशल सर्विस सोसाइटी की स्थापना 4 जुलाई 2017 को की गई थी। इस संगठन के माध्यम से अनेक सामाजिक कार्य समय समय पर किए जाते हैं। इसके तहत आज मंगलवार को राजकीय विद्यालय व सामाजिक संस्थानों के विद्यार्थियों को जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम दिए, उन प्रतिभावान 60 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। व उसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का भी माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आगाज सोसाइटी के प्रवक्ता अशोक पारिक अटल ने सरस्वती वंदना के साथ भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंच संचालन सोसाइटी के संयोजक तुलसीराम राजस्थानी ने किया। इस अवसर पर व्याख्याता मनोज मिश्रा, समाज सेवी नरेंद्र देव टेलर, मोहन मिश्रा, मनोज गंगवाल, तुलसीराम दादरवाल, वसीम कुरैशी आदि के अलावा अनेक प्रतिभावान विद्यार्थी व अभिभावकगण मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।